दोस्तों हम किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो वहाँ हमें पैन कार्ड को भी मांगा जाता है। साथ ही अगर आप इनकम टैक्स फाइल भी बना रहे हैं तो वहाँ भी आपको पैन कार्ड देना काफ़ी ज़रूरी होता है। दोस्तों पैन कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर भी दोस्तों मांगा जाता है। लेकिन दोस्तों आपका पास पैन कार्ड ना होने के कारण आप ना ही बैंक में खाता खुलवा सकते हैं और ना ही आप इनकम टैक्स फाइल भर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप किसी एजेंट के पास पैन कार्ड को बनाने के लिए जाते हैं तो आपको 1 महीने का टाइम लगता है और 200 रुपये का फीस लगता है, आपको डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप घर बैठे हुए फ्री में 10 मिनट के अंदर आप अपने पैन कार्ड को बना सकते हैं बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए और बिना कहीं गए, वो भी अपने मोबाइल से घर बैठे हुए। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं इम्तियाज यूट्यूबर चैनल। आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको 10 मिनट के अंदर पैन कार्ड बनाने के लिए आपको इस पेज पर आने होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूं, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट यहां पर आ सकते हैं। आने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद दोस्तों यहां आपके सामने शो हो रहा होगा इंस्टेंट पेन, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। ये दोस्तों इजी एंड पेपरलेस प्रोसेस है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कहीं भेजाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों गेट पेन विथ 10 मिनट, मतलब दोस्तों ये पेन कार्ड आप 10 मिनट के अंदर पा सकते हैं ई पेन के रूप में। और दोस्तों इसका वैल्यू सेम पेन कार्ड की तरह ही होगी, जैसे कि फिजिकल पेन कार्ड हमारे पर्स में या घर में होते हैं उसी का जितना वैल्यू होता है इसका भी वैल्यू उतना ही होगा। उसके बाद दोस्तों ये कह रहा है कि इसे बनाने के लिए आपके आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए ओटीपी के लिए। तो दोस्तों हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, तो हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे हमारे सामने एक ऑप्शन शो हो रहा है गेट न्यू ई पेन, तो इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, इस बॉक्स को चेक करेंगे और चेक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों फिर से आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके टर्म्स को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर दोस्तों बॉक्स को चेक कर देंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल पर दोस्तों एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देंगे, ये वाले बॉक्स को चेक कर देंगे और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके ये जो ईमेल आईडी वाला सेक्शन है दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि आपके आधार कार्ड के साथ कोई ईमेल लिंक है कि नहीं। अगर होगा तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, और नहीं होगा तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करके एक ईमेल आईडी को अपडेट कर देंगे। तो चलिए हम एक ईमेल आईडी यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। आप नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं दोस्तों। ईमेल डालने के बाद दोस्तों आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेंगे। दोस्तों ईमेल को वैलिडेट करने के बाद आपके सामने टर्म्स वाले बॉक्स शो हो रहे हैं, उसको चेक कर देंगे। चेक करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। दोस्तों आपको रेफरेंस नंबर ले लेने के बाद फिर से आप पीछे आ जाएंगे और वापस से उसी वेबसाइट पर फिर से आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। जैसे कि दोस्तों यहां पर हमारा शो हो रहा है इंस्टेंट ई पेन, फिर से इसके ऊपर में क्लिक करेंगे अपने पेन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है गेट न्यू ई पेन, तो इसके ऊपर में आप क्लिक नहीं करना है। आपके सामने यहाँ पर दोस्तों शो हो रहा है चेक स्टेटस डाउनलोड पेन, इसके ऊपर में हमें क्लिक करना है कंटिन्यू के ऊपर में। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड के नंबर डाल देने हैं, जो आधार कार्ड के नंबर डाल के आपने पेन कार्ड बनाया था वो नंबर डाल देने हैं और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करने हैं। दोस्तों आधार कार्ड नंबर डाल के कंटिन्यू करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दोस्तों हम लोग यहां पर भर देंगे। भरने के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आता है तो यहां पर टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट के बाद दोस्तों आप फिर से रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिलहाल हमारा ओटीपी आ गया, तो हम ओटीपी डाल के कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हमारा पेन कार्ड बन गया है, यहाँ पर स्टेटस सक्सेसफुली शो हो रहा है और यहाँ पर व्यू ई पेन और यहाँ पर डाउनलोड ई पेन। तो चलिए हम यहाँ पर डाउनलोड ई पेन पर क्लिक करके अपने पेन कार्ड को डाउनलोड कर लेते हैं। फिर यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा पेन कार्ड डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पर हमारा पेन कार्ड का दोस्तों ये वाला पेन कार्ड नंबर है
और यहाँ पर ये हमारा ई पेन शो हो रहा है। प्रिंट करा के दोस्तों लेमिनेशन करा के आप अपने पास रख सकते हैं, इसका भी वही वैल्यू होगा जो फिजिकल पेन कार्ड की वैल्यू होता है। सो गाइस आई होप कि हमारे वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट होगा आपके मन में तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।